टी बनी है पटेल जी की, आप देखने जाएंगे? गए आप? नहीं, वो तो इतनी ऊंची है कि उसको जाके देखने की क्या जरूरत है। वो तो कल एक बड़ा अच्छा मजाक लोगों ने भेजा कि नासा जो है अब अगर ऊपर से भारत की तस्वीर लेगी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी दिखाई देगा। पर अच्छा हुआ पटेल की विरासत को दिखाना चाहिए था, दिखाया गया। तो मूर्ति में विरासत कहाँ दिख रहे हैं? मूर्ति में तो विरासत छुप जा रहा है, विरासत दिखाने के लिए कुछ और करना पड़ता। मैं आपको बताता हूँ कि पटेल साहब किसानों के नेता थे। बारदोली का जो आंदोलन हुआ था वो किसान आंदोलन था, और वो किसान आंदोलन से ही कांग्रेस पार्टी के वो लीडर हुए। और इस देश में जब 12,000 किसान आत्महत्या करते हो एक साल में, और उनको बीमा देने के नाम पे कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता हो, ऐसे दौर में इतनी ऊंची मूर्ति शायद इसलिए बनाई गई है ताकि उन 12,000 किसानों की लाश को छुपाया जा सके। नोटबंदी के 2 साल हो गए, कांग्रेस आज नारा लगा रही है कि 35 लाख नौकरियां गई और 105 जाने गई, लेकिन बैंकों में क्या काला धन वापस आ गया? आ गया होगा, अरुण जेटली ने कहा है। ये धन तो काला होता है कि सफेद होता है ये इस सरकार में तय करना मुश्किल हो गया है। धन के मामले में तो यही समझ रहे हैं कि कभी गुलाबी धन ये प्रस्तुत करते हैं, कभी हरा धन प्रस्तुत करते हैं। काला धन तो अभी तक नहीं आया है। आरबीआई भी कह रही है कि काला कोई काला धन नहीं आया है। इसीलिए जिस आरबीआई को लेकर के ये बड़े उत्साहित थे और इनको लगता था कि आरबीआई को भी बाईपास करके हम कुछ कर लेंगे और आरबीआई कुछ नहीं बोलेगी, वो आरबीआई भी इनके खिलाफ बगावत कर चुकी है। जब बेल पे छोड़ा गया था तो आपको कहा गया था कि भाई आप एंटी नेशनल गतिविधि में